देखो वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो भाई आज अपना जो ब्लॉग है वो रहेगा भाई जिम के ऊपर, मतलब जो बिगनर्स हैं या फिर जो मैं देखता हूँ जिम में कि वो क्या मिस्टेक करते हैं, आगे जो नहीं करनी चाहिए जिम में मिस्टेक, खास तौर पर ध्यान रखना उन चीज़ों का, ठीक है। तो भाई टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है भाई, सबसे पहले बात बिल्कुल मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आपको भाई जिम आने से पहले अपने घर हो, जैसे घर से बच्चे क्या करते हैं जिम के लिए जब चलते हैं रेडी होकर सुबह सुबह पहन के, तब एक केला खा लेंगे, ठीक है, या एक सेब खा लेंगे, या फिर भाई ब्रेड खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, तो वो गलत है भाई। फिर कम से कम 40 मिनट या फिर एक घंटा पहले खाना चाहिए, 40 मिनट या एक घंटा पहले खाओ, और वो मतलब कुछ भी खाओ, या फिर आप आलू खाओ, या फिर भाई अपना केला खाओ, ब्रेड खाओ, जो भी खाओ, जो भी आपकी प्री वर्कआउट मील है वो लो, पर वो लो भाई 40 मिनट या एक घंटा पहले। जिम में जा रहे हो या फिर साथ साथ खाते खाते आ रहे हो रोड पे, वो कोई फायदा नहीं है उसका, फिर आप उसको मत खाओ वैसे से, वो एनर्जी नहीं देगा ड्यूरिंग वर्कआउट, ठीक है। दूसरी बात भाई, जिम में आगे आने के बाद मैं देखता हूँ सीधा आएंगे और अपने हैवी वेट उठाएंगे और स्टार्ट कर देंगे हैवी वेट, ना कोई वॉर्म अप करते, ना कोई स्ट्रेचिंग करते, इससे भाई तुम्हारी मसल जो है वो पक्का इंजर्ड होगी ही होगी, ठीक है। तो भाई अपने जो है वॉर्म करना चाहिए, वॉर्म भी क्या करना चाहिए, पहले आके आप 10 मिनट ट्रेडमिल करो, 10 मिनट साइकिलिंग करो, जंपिंग जैक वगैरह करो, ठीक है। उसके बाद अपना पूरी बॉडी खोलो, जो भी आपका ट्रेनर हो वहाँ पे ट्रेनर हो, जो भी उससे पूछो कोच वगैरह से, पूरा अपना मतलब कौन से पार्ट कर रहे हो कुछ भी सारे, मतलब कि अपने जो है अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेके आओ, रेडी करो वेट लिफ्ट करने के लिए। फिर उससे पहले जो भी वर्क जैसे कर रहे हो आप, मानो बाइसेप्स कर रहे हो, तो जो सबसे पहले जो होते हैं ना बिल्कुल लाइट वेट, जैसे लाइट वेट लेके उससे भाई अपने वर्क वर्क करो, और अपना जो है पूरे अपने जो मसल उसको रेडी करो हैवी लिफ्ट करने के लिए, ताकि इंजरी ना हो और आपकी जिम स्किप ना हो, इंजरी हो जाए तो इंजरी करे कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ऐसे सीधा हैवी मतलब लिफ्ट मत करा करो वेट। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ बच्चों को, मतलब उनको कुछ यही नहीं पता कि क्या वेट मारना है क्या नहीं मारना है, बस यहाँ मैं देखता हूँ मेरा ट्रेनर जो जिम का है वो बोलता है बच्चों कि भाई इतने ना वेट मत उठाओ, इतना वेट मत उठाओ, उनसे वेट उठता है नहीं और बस लगे रहेंगे, तो वो गलत है। जब वो तुम्हारी मसल पर आ ही नहीं रहा, तुम्हारा करने का वे ही गलत है, तो क्या फ़ायदा फिर। जैसे चलो हम बाइसेप्स करने की बात करें, सर वोट करने की एक महीना करते हैं हैवी, तो वेट डालने में इसके अंदर ही करेंगे, तो भाई सब फायदा ही नहीं मेरे भाई, कि कहाँ आ रहा है ये, क्या कहाँ कहीं नहीं आ रहा है ये, अपने एल्बो बिल्कुल सीधे रखिए और इन्हें खाए करो यूँ, ठीक है। जिस मसल नहीं कर रहे बस मूवमेंट भी तो होनी चाहिए, तो चाहे लाइट वेट कर लो, चाहे बिल्कुल कुछ भी मत डालो, पर ठीक कर लो, उसके बाद तुम्हारे मसल डेवलप होगी, अपने आप हैवी लिफ्टर बन जाओगे, थोड़ी शांति रखो, गलत करने से कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारे मसल डेवलप होगी और ना भाई ताकत बनेगी, बल्कि इंजरी होते बैठोगे अपने शरीर में, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये सिर्फ बाइसेप्स की बात नहीं है, चाहे कुछ भी करोगे, चाहे ट्राइसेप्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपने पहले सिर्फ उतना ही करो जितना आपकी मूवमेंट ठीक हो रही है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। और एक चीज़ और इसमें एक और गलती करता हूँ आपको, क्या करते हैं बच्चे जैसे यूँ लेकर आते हैं और नहीं चलाता हूँ एकदम से ले आएंगे, यूँ पर ले जाते हैं एकदम से ले आएंगे, तो भाई आप जितना ऊपर लेके जा रहे हो ना नेगेटिव कंट्रोल नीचे उतना सुबह लेके आओ, जितना सुबह नीचे लेके आओगे तो उतनी बढ़िया मतलब मसल डेवलप होगी और मसल पर मतलब फैलत मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर जिस स्पीड से ले गए हो उससे भी सुबह नीचे लेके आना है, ये नहीं कोई फायदा नहीं है इसमें, ये भाई पता नहीं तुम्हें ट्रेनर बताते नहीं बताते, अगर नहीं बताते या फिर कोई अपना अपने अकेला करता है वर्कआउट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा हो, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप मतलब वर्कआउट एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस भी पार्टी कर रहे हो, मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए, मतलब मसल का और माइंड का कनेक्शन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अब जैसे कि मानो भाई मैं चेस्ट लगा रहा हूँ या फिर मैं शोल्डर लगा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, मानो मैं लगा रहा हूँ शोल्डर, तो भाई ये मैं शोल्डर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मेरा ध्यान यहाँ नहीं है उधर कौन लड़का क्या कर रहा है या फिर कोई नई लड़की आ गई है जिम में, मैं देखता हूँ लड़के को ऐसे करते हैं, ठीक है, ध्यान उधर कर रहे हैं,
तो भाई जब तक आपका माइंड यहाँ नहीं रहेगा मसल में कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और मसल पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब इन द क्रेश होना चाहिए। जो भी करो पहले डेट के देखता हूँ ऐसे करते हैं, हाफ 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 हाफ, कोई फायदा नहीं है भाई इसका। जो भाई इसके लिए प्रॉपर प्रॉपर लेके जाओ, पूरा नीचे पूरा ऊपर पूरा नीचे, मतलब उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी बात नहीं कर रहा, चाहे कुछ भी करो पर मसल माइंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। ध्यान यही रखो क्या जो कर रहे हो। अच्छा है, एक सबसे ज़्यादा गलती मैं चीज़ में देखता हूँ, इन देखता हूँ डबल डम्बल साइड रेज में क्या करते हैं उससे, इसमें ऐसे ही होना है, यहाँ से देखा आपको यूँ है, यूँ करते हैं, ये बहुत देखता हूँ मैं और कई कहीं देखता हूँ, एल्बोन के नीचे रहते ही ऊपर जाएंगे, यूँ में देखता हूँ मैं। तो भाई इसको मैं बताता हूँ, मेरे सामने करते हैं जिनमें बच्चे कि भाई नहीं ऐसे नहीं, इसका तो प्रॉपर भी उसको क्या होता है, अगर तो आपकी जो है ना एल्बो एल्बो रहेगी यूँ, और ठीक है ये एल्बो पर जाएगी ऊपर नीचे, और अपनी और बाकी पूरी बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहेगी, ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ हाथ मूवमेंट में होंगे ये। ये इसकी प्रॉपर पोजिशन है, बाकी अपने कोच से पूछा करो जो ट्रेनर होता है कि भाई ये ठीक है कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बताया करो उनको कि ये कैसे ठीक होगी, उसे पड़ेगा एवरेज करना है, और मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी है जो कि करना ही करना है। ध्यान जो कर रहे हो वहीं पर रखो, वहीं पर कि भाई ताकि तुम्हारे मसल पर ज़्यादा इफेक्ट पड़े, करके देखो मसल माइंड कनेक्शन बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भाई ये तो थी कुछ वर्कआउट की बातें, अब बाकी वर्कआउट की मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि क्या क्या गलती करते हैं बच्चे जिम में, और जैसे मैं देखता हूँ जो बैक की लेट पुल डाउन की मशीन है उस पर भी करते हैं, ठीक है ट्राइसेप्स में भी करते हैं, थाई में सबसे ज़्यादा करते हैं, और हाँ एक और गलती क्या करते हैं बच्चे, थाई स्किप करते हैं। तो भाई थाई स्किप कभी नहीं करनी चाहिए, रिलैक्स करने से हमारे टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा बूस्ट होते हैं और सबसे और वह बूस्ट होंगे तो ताकत अपने आप आएगी, ठीक है। रिलैक्स करने से सबसे ज़्यादा पावर बनती है पूरी बॉडी में, सब लिफ्टिंग पावर भी बढ़ेगी, सारी पावर बढ़ेगी। रिलैक्स बिल्कुल स्किप मत किया करो, उसके दो वीक में दो बार किया करो भाई रिलैक्स, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे सबसे ज़्यादा स्किप करते हैं मैं देखता हूँ। शनिवार को जिम बिल्कुल खाली रहती है और ब्लैक डे होता है, कोई आता ही नहीं। दूसरी एक और चीज़ भाई, एक यही देखता हूँ मैं कि बच्चे पानी नहीं पीते वर्कआउट के बीच में, वर्कआउट के बीच में पानी पीना चाहिए, या उसमें ग्लूकोज में डालो पानी में, या बी सी डबल ए में डालो, जो भी मतलब आपका कम्फर्ट है वो जो भी अच्छा लगे बजट के हिसाब से। मैं तो भाई पानी पीता हूँ खाली, ठीक है। अब वो पानी क्यों पीना चाहिए वर्कआउट के बीच में, जैसे एक साइड की एक सीट पी ली, एक साइड की एक सीट पी ली, ज़्यादा पेन है तो पेट भर जाएगा फिर वर्कआउट नहीं होगा, वो इसलिए पीना चाहिए, मतलब जो हम फूड खाते हैं ना वो उसको जो जो ट्रैवल होता है अंदर, जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब वो पानी के थ्रू घूमता है अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में पानी के थ्रू ट्रैवलिंग करता है, हर जगह रहता है हर साइड। तो भाई इसलिए पानी पीना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़, मतलब आपका वर्कआउट हो गया भाई कंप्लीट, उसके बाद ट्राई करा करो कि कम से कम उस पार्ट की तो स्ट्रेचिंग कर लो जिससे कि आपने वर्कआउट किया है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी। इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग आएगी, इससे कई फायदे हैं, जैसे जो मसल होती है वो क्या हो जाए मतलब टाइट हो जाती है भाई, जब हम करते हैं जब हार्डनेस जाती है, तो आप उसको करोगे खोलोगे तो अगली बार और अच्छी हो जाएगी, आप करके देखना और इंजरी से बचोगे। फिर बच्चे क्या करते हैं, तो ठीक है भाई ये गलतियाँ मत करा करो जो मैंने बताई है, बाकी एक वीडियो और बनाऊँगा मैं, उसमें पर्टिकुलर अच्छे से बताऊँगा कि भाई इसमें ये गलतियाँ करते हैं, इसमें ये गलतियाँ करते हैं, वो मतलब बनाऊँगा मैं, ट्राई करूँगा कि जैसे बैक की एक दिन बना दी उसमें क्या गलतियाँ होती है सबकी, मतलब सिर्फ जो गलतियाँ करते हैं वो बताऊँगा, है ना। बाकी ये करो और जैसे घर जाओ जो कोविड अपना फ़ोन बंद हो गया भाई बीच में, तो क्या बता रहा था मैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों के पास चले गए कहीं भी चले गए, तो ऐसा मत करा करो। वर्कआउट के बाद आपको मील लेनी होती है 15 मिनट के अंदर, मतलब मील का मतलब है या तो आप भाई प्रोटीन लो या कोई जूस पियो या शेक पियो या पनीर खाओ, पर 15 मिनट के अंदर खाओ वो ज़्यादा बेटर अच्छा होता है, ये कहना था मेरे को। और ये सब आप करके देखो भाई, 15 मिनट के बाद आप होता मन में कई सोचते हैं, कुछ ना होता कुछ नहीं होता, आधा घंटे बाद खा लेंगे घंटे बाद खा लेंगे, तो होता है भाई सब होता है। 15 मिनट के अंदर खाओ, एनर्जी देखना कि नेक्स्ट डे अलग ही लेवल की होती है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन क्या कुछ भी क्या ये करते ही रहना है, ये तो एक लाइफ स्टाइल है। देखो जिम जिम को लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि भाई ये एक लाइफ स्टाइल है,
कोई काम नहीं है ये कि एक दिन कर लिया रहो दो दिन छोड़ देंगे। ये तो लाइफ स्टाइल है, डेली रूटीन में जैसे डेली खाना खाना है ना, ऐसे ही बॉडी को डेली, ये तो वर्कआउट है भाई। ठीक है, नहाते हो डेली, नहाते हो ना, खाते भी हो, सोते भी हो और भी काम करते हो भाई, ये वैसा ही है लाइफ स्टाइल, ये रूटीन में ऐड कर लो इसको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब कुछ रहो, लव यू, टेक केयर, बाय।